मैराजली के पहले एपिसोड में आप देखेंगे जिलाल जो एक एक्स सोल्जर होता है और वो मारस नाम के गांव में पैदा हुआ है, तो इसीलिए लोग उसे मैराजली भी बोलते हैं। जिलाल से कुछ लोग पूछताछ करते हैं उस दिन के बारे में जब उसकी बेटी पर हमला हुआ था, तो जिलाल उन्हें बोलता है कि उस दिन उसकी बेटी का बर्थडे था और उसने उसे एक डॉग गिफ्ट किया था और कुछ समय के बाद वहाँ फायरिंग शुरू हो गई जिसकी वजह से उसकी बेटी शॉक में चली गई और उस इंसिडेंट के बाद से जिलाल की बेटी मुँह से एक लफ्ज नहीं बोली। और जिलाल उन्हें ये भी बोलता है कि वो इस केस की छानबीन भी कर रहा है। और एक साल के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जिलाल अपने बेटी के डॉग के साथ उसके बुक स्टोर को जाता है और लोगों से ज्यादा बात करना अवॉइड करता है। और उसी दिन उस बुक स्टोर में माहूर नाम की एक लड़की एक बुक की तलाश में आती है, मगर उसे वो बुक नहीं मिलती तो वो वहाँ से जाती है और जिलाल से एक पुरानी फैक्ट्री का एड्रेस पूछती है, तो वो उसे एड्रेस बोलता है। और माहूर जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और उस पुरानी फैक्ट्री जाकर वहाँ के फोटोज काटना चाहती है और उसके पीछे जिलाल का डॉग भी चला जाता है। और जिलाल जब बुक स्टोर बंद करके बाहर अपने डॉग के साथ जाने देखता है तो उसे मालूम होता है कि उसका डॉग उस लड़की के पीछे गया है, तो जिलाल भी उस फैक्ट्री के रास्ते जाता है। सवाज जो एक माफिया का लीडर है वो एक प्रोसिक्यूटर को मारने के लिए उस फैक्ट्री को जाता है और माहूर प्रोसिक्यूटर की आवाज सुनकर वहां जाती है और देखती है कि सवाज ने उसे मार दिया है, तो उस सीन के फोटोज काटती है और बहुत डर जाती है और वहां से भागने देखती है कि तभी सवाज माहूर को देखता है और सवाज के आदमी माहूर को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं और उसका कैमरा ले लेते हैं और माहूर से उस कैमरे की चिप पूछते हैं, तो माहूर वो चिप वहीं पर फेंक देती है और तभी वहां पर जिलाल आता है और माहूर को बचा लेता है और माहूर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। अगर आप इस ड्रामा की डिटेल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट की लिंक दे दूंगी जो आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बैक टू अवर वीडियो। और दोनों इंसिडेंट के बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं और माहूर पुलिस को सारी सच्चाई बोलती है कि उसने वहां पर किसी का मर्डर देखा है और उसके फोटोज भी क्लिक करे हैं, मगर उसने वो चिप वहीं पर फेंक दी है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और उन्हें कोई भी बॉडी नहीं मिलती और ना ही कैमरे का चिप मिलता है। तो जिलाल माहूर को बोलता है कि उसे पुलिस से सारी सच्चाई नहीं बोलनी चाहिए थी, अब वो माफिया का लीडर उसे भी नहीं छोड़ेगा। और सवाश उसके आदमियों को उस लड़की और उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन काटने के लिए बोलता है। माहूर के डैड एक बड़े बिजनेसमैन है और वो माहूर को पुलिस स्टेशन से घर ले जाने आते हैं और उसे घर ले जाते हैं। और सवाश को मालूम होता है कि माहूर एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी है और जिलाल एक बुक स्टोर का ओनर है, तो वो अपने आदमियों को उसके एड्रेस ढूंढने के लिए बोलता है। और माहूर उस इंसिडेंट की वजह से रात में सो नहीं पाती और उसके डैड भी बहुत डर जाते हैं। और जिलाल अपनी बेटी से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, मगर वो उससे बात नहीं करती और जिलाल बहुत उदास हो जाता है। सवाश माहूर के डैड को कॉल करके बोलते हैं कि उसकी बेटी पर उसने ही हमला किया है और अगर वो फोटोस माहूर ने उसे नहीं दिए तो वो माहूर को भी मार देगा, तो माहूर के डैड बहुत डर जाते हैं और माहूर को बाहर जाने के लिए मना करते हैं, मगर वो नहीं मानती और उसके डैड को बिना बताए जिलाल से मिलने जाती है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। और सवाश भी अपने आदमियों को माहूर का पीछा करने के लिए भेजता है और माहूर जिलाल के घर जाकर उसे थैंक्स बोलती है और उसकी बेटी से भी मिलती है और उसे मालूम होता है कि एक इंसिडेंट की वजह से उसकी बेटी ने बात करना छोड़ दी है, तो वो उदास होती है और वहां से जाने के लिए निकलती है कि तभी वहां पर जिलाल सवाश के आदमी की कार देखता है और जिलाल माहूर को उसके कार में बिठाता है और उसे सवाश के आदमी से फिर से बचा लेता है और माहूर को उसके घर छोड़ता है, तो माहूर जिलाल को अपने फैमिली से मिलाती है और सब जिलाल को माहूर की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। और माहूर के डैड जिलाल को माहूर का बॉडीगार्ड बनने का ऑफर देते हैं, पहले तो जिलाल नहीं मानता मगर आगे जाकर मान जाता है, पर माहूर को उसके डैड का ये फैसला अच्छा नहीं लगता।
और आगे कैसे जिलाल और माहूर की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ेगी, इसके लिए देखें मैराशली यूट्यूब पर। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।